हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। आई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो क्लास नंबर है वो क्लास नंबर 50 है, और हम लोग का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी या वायरमैन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का क्लासेस चल रहा है, जो कि आपका एनएससीईआरटी या फिर नेमी क्वेश्चन बैंक पर बेस्ड है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम लोग का जो एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस चल रहे हैं रोज रोज, और आप लोग का जितना भी डब्ल्यूसीएस का भी पेपर है फर्स्ट ईयर का, वो भी मैं सारा करा चुका हूँ। और फर्स्ट ईयर जो है आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का भी पेपर चल रहा है, आई मीन क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें कि आपका जो है चैप्टर वाइज चैप्टर सारा मैं करा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 से। देखिए क्या है क्वेश्चन। विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजिशन इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब है कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जीरो पोजिशन से लेकर के रिक्वायर्ड पोजिशन तक मूव करने के लिए पॉइंटर को कौन सा फोर्स का जरूरत पड़ता है। तो कंट्रोलिंग फोर्स, रिफ्लेक्टिंग फोर्स, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग या एडी करंट डैम्पिंग। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो है ये जो चैप्टर है ना, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और सिर्फ इनमें नहीं, आपके सीबीटी एग्जाम्स में नहीं, आपको जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं सब में ये चैप्टर से क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि आपको जितने भी बात मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है अच्छे से। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोग को कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 162 में आप लोग को बोला गया है कि कंट्रोलिंग जो टॉर्क है, टॉर्क के बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, डेफ्लेक्टिंग टॉर्क। देखिए डेफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है, विचलन बल जो होता है, उसके कारण जो पॉइंटर होता है, ठीक है, वो मूव करता है कहां से, जीरो से पॉइंट टू बी नोट या फिर पॉइंट टू बी मार्क, जहां पे आपको वैल्यू मेजर करना है वहां तक वो वैल्यू जो है पॉइंटर उठ के जाता है। ठीक है, उसी तरह ईडी करंट डैम्पिंग है, कंट्रोलिंग फोर्स है, इस ये सब भी एक तरह का है, उस भी आगे आएगा क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 63 नंबर, देखिए क्या है। Which is the position to use the instrument provided with gravity control? Okay, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? ठीक है, तो आपसे पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति पूछी गई है, तो आपको स्थिति बतानी है कौन सी स्थिति होगी। ओके, एनी पोजीशन मतलब किसी भी स्थिति में, या फिर ऊर्ध्वाधर दैट इज वर्टिकल, या फिर झुकी हुई स्थिति मतलब इंक्लाइंड पोजीशन, और क्षैतिज स्थिति मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ये चारों में से कौन सा जो है पोजीशन होगा। ओके चलिए, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थिति, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 164 नंबर, देखिए क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्केल, पैमाने का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, 164 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। इसमें क्वेश्चन में आपसे स्केल का नाम पूछा गया है, पैमाने का नाम पूछा गया, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, रीडिंग्स देख लीजिए, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो ये क्या है, आई मीन 1K है। ठीक है, फिर 500 ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, 500, देखिए ये है आपका कितना, 2K है। ठीक है, 2K, दैट मीन्स 2K कितना हुआ, 2000 ओम, क्योंकि देखिए यहाँ वैल्यूज जो है किसमें है, ओम में है, है ना। तो ये 2K का मतलब क्या हुआ, 2K का मतलब हुआ 2000। ठीक है, 2000 क्या, ओम। आई बात समझ में। उसी तरह से यहाँ पे देखें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1K है। ठीक है, तो 1K का मतलब क्या हुआ, 1000 ओम। फिर 500 है, तो 500 मतलब क्या, 500 ओम, ये हो गया 100 ओम, 50 ओम। ठीक है, और इस तरह से जो है आपका यहाँ पे रीडिंग है, 15 है, 10 है, 5 है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 0 है, इस जगह पे 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो, रीडेबल रेंज है। ठीक ना, ये आपका जो वैल्यू है यहाँ से लेके ये वाला आपका रीडेबल रेंज है, नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रीडेबल रेंज है।
इसी स्केल, इस पैमाने का आपसे नाम पूछा गया है। और ये किस किस किसका पैमाना है, ये ओम मीटर जो होता है आपका, जैसे कि रेजिस्टेंस हम लोग नापते हैं, जैसे कि प्रतिरोध नापते हैं, उसका ही ये जो है मीटर का ये स्केल है। लेकिन नाम पूछा गया, स्केल का पैमाना पूछा गया है, लीनियर है या फिर मोटे पैमाने पर है, या विस्तारित पैमाना है, या फिर गैर रेखीय पैमाना है, ये क्या है, ये चीज पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर स्केल, गैर रेखीय पैमाने। ठीक है, नॉन लीनियर स्केल है, समझ में आई बात, क्या है, नॉन लीनियर। ओके, अब देखिए नॉन लीनियर क्यों है बताइए मुझे, समझिए थोड़ा सा। देखिए यहां से यहां तक का जो गैपिंग है कितना है, ये 0 है और ये 2 है, दैट मींस 2 का गैप है, और यहाँ डिफरेंस देखिए कितना चौड़ा है, बस इतना ही है। ठीक है, फिर 2 से लेकर के 5 के बीच का गैपिंग देखिए, ये चौड़ाई कितना है, थोड़ा ज्यादा है कि नहीं है। तो लीनियर कब होता है कि मान लेते हैं कि लाइक 2 यूनिट का हम गैप बोलेंगे, 2 यूनिट का गैप यहाँ से जितना होना चाहिए, यहाँ भी 2 यूनिट का गैप उतना ही होना चाहिए, यहाँ भी उतना ही होना चाहिए। दैट इज यदि हम रीडिंग करेंगे तो ये मान लीजिए 2 2 लिखे, तो यहाँ क्या लिखना होगा, 4 लिखना होगा, यहाँ 6 लिखना होगा, यहाँ 8 लिखना, ये लीनियर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ स्केल तो बनाया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 2 गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना चले गया, देखिए यहाँ ज्यादा चले गया है कि नहीं, यहाँ यहाँ 3 के बाद ये जो है सीधे 10 में चले गया, तो ये लीनियर थोड़ी ना हुआ। ठीक है, 7 का। तो और दूसरी बात यहाँ के देखिए, फिर यहाँ पे यहाँ 10 है और यहाँ कितना है, 15 है, तो 5 का गैप देखिए कितना है, 5 का गैप इतना है, और यहाँ देखिए 500 का गैप कितना है, 500 का गैप और यहाँ 5 का गैप, लगभग क्या है, ये छोटा ही कर दिया है और इसको बड़ा कर दिया है, इसलिए ये नॉन लीनियर कहलाता है। लीनियर रहता तो समान, एक समान होता इस तरह से। अब मेरे समझ से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, 165 नंबर क्वेश्चन, समझिए। देखिए 165 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है विच एरर इज कॉज्ड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। अब इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। ठीक है, तो आपको त्रुटि का नाम बताना है कि कौन सा त्रुटि होता है। ऑप्शंस में बता देता हूं, उपकरण त्रुटि ऑप्शन नंबर ए, मानव त्रुटि, प्रभाव त्रुटि, और फिर स्विचिंग एरर या फिर स्विचिंग त्रुटि। कौन सा इसका आंसर, राइट आंसर कौन सा होगा बताइए सभी बच्चे। देखिए तो जाहिर सी बात है उपकरण त्रुटि ही तो होगा ना। ठीक है, क्या होगा, उपकरण त्रुटि। ठीक है, डिवाइस एरर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। पोजीशन जो है इंस्ट्रूमेंट का रीड करने के लिए, जैसे ये जो स्केल होता है, इसका जो ये आपका जो डिल होता है, इसका जो पोजीशन है ये करेक्ट नहीं है, तो ये डिवाइस का एरर के कारण ही होगा ना, क्योंकि ये डिवाइस जो था आपका, इसकी खामी के कारण हुआ, इसकी इस डिवाइस में डिवाइस का प्रॉब्लम डिफेक्ट के कारण ही इस तरह से हुआ है। दैट इज व्हाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइस एरर। आया बात समझ में सभी को। ठीक, ह्यूमन एरर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये पोजीशन ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग है, वो जो इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग का जो पोजीशन है वो इनकरेक्ट है, तो ह्यूमन का इन्फ्लुएंस इसमें तो कुछ नहीं था। ठीक है, इसमें क्या था, डिवाइस एरर। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको डिवाइस को चेंज करना होगा या फिर न्यू लेना पड़ेगा आपको, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 166 क्वेश्चन नंबर 166 क्या कहता है, सुनिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर 1 ओम एंड बिलो 1 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू एक्यूरेटली। बहुत ही कोई अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्यों भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस मेजरमेंट का जो है आपका दायरा है कि भाई 1 ओम से बिलो, 1 ओम से कम वैल्यू का यदि रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो उसका अलग मीटर है, फिर उसके बाद उसके बियॉन्ड जाना है, फिर उसके बाद हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजर करना है तो उसका अलग अलग मीटर है। ठीक है, रेजिस्टेंस मीटर आई मीन ओम मीटर है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1 ओम हो, ठीक है, 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से आपका जो डिवाइस है उसका यूज कीजिएगा, कौन से ओम मीटर का यूज कीजिएगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज कीजिएगा यदि 1 ओम से वैल्यू से आपको बिलो नापना है तो क्या हो जाएगा, संट टाइप। ठीक है, संट टाइप ओम मीटर, एकदम गांठ बांध लीजिए इसका आंसर को,
ठीक है, कि 1 ओम से वैल्यू यदि नीचे मिला तो ऑप्शन कौन सा लगाइएगा, संट टाइप ओम मीटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 167। देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडेड इन द एडवांस्ड मेगा ओम मीटर। ठीक है, तो अनंत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, अभी एडवांस मेगा ओम मीटर जो होता है उसमें एक थर्ड टर्मिनल भी होता है, तो उसका क्या पर्पस होता है, क्यों दिया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, वो इसलिए दिया जाता है ताकि दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, टू गेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑसिलेशन। ठीक है, बिना ऑसिलेशन के, ठीक है, बिना ऑसिलेशन के आप रीडिंग जो है बहुत ही अच्छे से रीडिंग प्राप्त कर पाइए, इस वजह से थर्ड टर्मिनल को दिया जाता है। बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 168। क्वेश्चन 168 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ संट रेजिस्टेंस मटेरियल। अब कह रहा है कि संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है, इसका आपसे नाम पूछा गया है। ओके, तो क्या है ये, कॉपर है, यूरेका है, निक्रोम है या मैगनीन है, बताइए सभी लोग। ये क्या है, मैगनीन। क्या है ये, मैगनीन है। तो इस तरह का फिगर आप लोग देख के रखिए, यदि आता है तो आपको क्या लगाना है, मैगनीन पे टिक करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। देखिए, व्हाट इज द रीजन फॉर द मूविंग कॉइल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल। अब देखिए, मूविंग कॉइल मीटर, अब कुछ कुछ टर्म्स है, मैं मानता हूं कि मूविंग कॉइल मीटर हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कभी क्लास नहीं किया और डायरेक्ट आज जो है एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है कि उन टर्म्स को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। फिर भी मैं अपने तरफ से कुछ प्रयास करता हूँ कि इन चीजों को समझा दूं, और यदि एक एक पॉइंट में, जैसे अभी इन इन जितने भी पॉइंट्स हैं सभी को यदि क्लियर करने जाऊंगा तो मुश्किल से 10 क्वेश्चन, क्या मुझे लगता है कि आधा घंटे में 5 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा। इसलिए आप लोग को भी पेशेंस नहीं होता है, मुझे पता है, आधा घंटा का यदि वीडियो बन जाता है तो आप लोग परेशान होने लगते हैं कि कितना बड़ा वीडियो, कितना बड़ा, देखिएगा नहीं, आप लोग कट कट करके देखिएगा। इसलिए जब 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 वो क्लास मैं कराऊंगा, थ्योरेटिकल जब क्लास कराऊंगा, तो वहां पे एक एक पॉइंट्स को क्लियर करूंगा कि मूविंग कॉइल मीटर क्या है, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। ओके, उसी तरह से आपका जितना भी स्प्रिंग मेजरमेंट, ये सब क्या क्या है, सब बात को क्लियर करूंगा। अभी आप लोग का क्योंकि एग्जाम भी नजदीक, तो आप लोग इसी हिसाब से ही पढ़िए जितना पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए कोई बात नहीं, देखते हैं। चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। अब आपको बस ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में आपका, अब देखिए एक बात आप समझिए, जब इस तरह का सिचुएशन हो कि आप लोग को क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपसे सॉल्यूशन उसका ई कर रहे हैं, तो ये एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, और उसका डायरेक्ट आंसर पढ़िए, बाकी ऑप्शंस में कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर वो वही ऑप्शन जो पढ़े रहिएगा वही आपको एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। इसलिए क्वेश्चन हुआ ये कि चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विचलन बालाघूर्ण धारा के अनुपातिक है, इसलिए जो है इसका वो कारण होता है, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक, तो मूविंग कॉइल मीटर में यूनिफॉर्म स्केल जो होता है, अभी नॉन यूनिफॉर्म स्केल में आपको दिखाया था अभी ओम मीटर में, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्केल भी बता दिया था क्या होता है, तो मूविंग कॉइल मीटर जो होता है, ठीक है, मूविंग कॉइल मीटर एक्चुअली जो है एक प्रकार का मीटर है, ठीक है, मूविंग कॉइल, फिर आपका जो है आयरन डैम टाइप आपका मीटर होता है, इस तरह का कॉइल, मतलब आई मीन मीटर्स का जो है ये क्राइटेरिया है, या फिर आप कैटेगरी कर सकते हैं, तो उसमें जो है आई मीन यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल होता है। इसका रीजन बस इतना ही है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, जो जो आपका कांटा को, ठीक है, जो आपका जो निडल है उसको क्या करेगा, जीरो से उठाएगा ऊपर,
हो गया डेफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो वो जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल, जितना आप करंट उस कॉइल के थ्रू गुजरेगा ठीक है, तो उतना ज्यादा वो टॉर्क उसमें पैदा होगा उस नील पे, और उतना ज्यादा ऊपर कांटा उठेगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है मैचिंग इंस्ट्रूमेंट, अच्छा से पढ़िए। तो इसका समझ में आ गया आप लोगों को, ऑप्शन कौन सा चल गया, ऑप्शन नंबर ए चल गया ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 170 समझ लीजिए। 170 क्या है, व्हाट व्हिच एरर, ओके व्हिच एरर इफ द एनर्जी मीटर इज रोटेटिंग कंटिन्यूअसली ऑन नो लोड। अब देखिए एनर्जी मीटर तो आपको पता है, ऊर्जा मीटर जो आपके घर में लगा हुआ रहता है, पोल से जो वायर आता है और फिर डायरेक्टली किसमें घुसता है, वो एनर्जी मीटर में आता है, फिर एनर्जी मीटर से आपके घर में जाता है सप्लाई। तो एनर्जी मीटर का काम क्या है कि कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी खपत किया उसका वो यूनिट बताता है ठीक है, और फिर जो जो लाइन मैन वगैरह सब जो होते हैं जो आकर के अपना रीडिंग वगैरह लेते हैं, और फिर आपका जितना बिल बनता है आपको पे करना होता है। तो यही चीज है कि उसमें भी कुछ फॉल्ट आते हैं एनर्जी मीटर में। तो लाइक जैसे फॉल्ट मैं बताऊं क्या होता है, कभी कभी इस तरह से भी आपका फॉल्ट देखने को मिल सकता है कि एनर्जी मीटर का जो डिस्क होता है अंदर जो जो चक्री होता है वो रोटेट करेगा, कंटिन्यूअसली रोटेट करने लगेगा बिना लोड पे, लोड भी नहीं पड़ रहा है, आपका घर का सभी पंखा स्विच सारा कुछ बंद है, फिर भी वो क्या हो रहा है डिस्क रोटेट कर रहा है, दैट मींस जो बिल उसका आई मीन मीटर वो बना रहा है, यूनिट वो जनरेट कर रहा है, तो ये फॉल्ट है। हालांकि डिस्क सिस्टम वाला सब जो है एनालॉग वाला सिस्टम पहले का हुआ करता था, अभी तो डिजिटल सिस्टम आ गया है ठीक है। तो देखिए लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है, तो ये कौन सा त्रुटि के तहत आता है बताइए, गति की त्रुटि, कला त्रुटि, घर्षण त्रुटि, उसके बाद क्रीपिंग एरर या फिर रेंगने की त्रुटि। आंसर इसका यही होगा, क्या हो जाएगा, क्रीपिंग एरर कहलाता है ये, क्या रेंगने की त्रुटि के अंतर्गत ये आता है यदि डिस्क आपका रोटेट कर रहा है अननेसेसरी। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सिटी इफ द सेकेंडरी इज केप्ट ओपन। अब सिटी क्या होता है, सिटी होता है करंट ट्रांसफार्मर। ओके करंट ट्रांसफार्मर, तो ये आप ट्रांसफार्मर भी चैप्टर पढ़िएगा उसमें भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी, सिटी पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और सिटी हो गया करंट ट्रांसफार्मर। तो पूछ रहा है कि यदि सिटी का द्वितीयक खुला रहा जाता है, थोड़ा इंग्लिश आई मीन हिंदी जो है थोड़ा सा अशुद्धि टाइप से लिखा है इस वजह से दिक्कत होता है। खैर देखिए तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि सिटी है ठीक है आई मीन करंट ट्रांसफार्मर है उसका यदि सेकेंडरी साइड ठीक है सेकेंडरी साइड यदि खुला रह जाता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सेकेंडरी जानते हैं आप ट्रांसफार्मर होता है उसका प्राइमरी साइड होता है ओके और एक होता है क्या सेकेंडरी होता है ठीक है, ये आपका मान लेते हैं कि कोर है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी और ये हो जाएगा सेकेंडरी। प्राइमरी में आप लोड देते हैं और सेकेंडरी से लोड आप क्या करते हैं सप्लाई आई मीन इनपुट जो आता है आपका किसमें आता है प्राइमरी में आता है जो कि V1 कहलाता है इनपुट, और आउटपुट हम लेते हैं किससे जहाँ की लोड दिया जाता है ठीक है, ये हो जाता है V2 ओके ना सेकेंडरी साइड। तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा यदि सेकेंडरी ओपन रह गया उस स्थिति में क्या होगा ये पूछा गया आपसे। तो देखिए इसका ऑप्शंस भी समझ लीजिए थोड़ा बहुत, क्या क्या दिया हुआ है कि सीटी ओके सीटी की प्राथमिक कुंडली जल जाएगी, सीटी का जो प्राइमरी जो कॉइल है वो क्या हो जाएगा बर्न हो जाएगा जल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि वोल्ट एम्पियर कैपेसिटी रिड्यूसेस, वोल्ट एम्पियर क्षमता कम हो जाएगा या फिर वोल्ट एम्पियर क्षमता जो बढ़ जाएगा, और जो फोर्थ ऑप्शन है क्या है सीटी सेकेंडरी वाइंडिंग बर्न्स आउट, मतलब सिटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। तो इसका आंसर भी यही होगा कि क्या होगा सेकेंडरी साइड क्या हो जाएगा जल जाएगा, इसको ओपन छोड़ देते हैं आप तो सेकेंडरी साइड क्या हो जाएगा जल जाएगा। आई बात समझ में, एकदम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, याद रखिएगा कि सेकेंडरी साइड क्या होता है जल जाता है। ओके अब देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस शंट टाइप ओम मीटर। क्वेश्चन क्या हुआ कि संट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परावर्ती प्रतिरोध ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस संट टाइप ओम मीटर। ओम मीटर भी अलग अलग कैटेगरी का होता है, ठीक है, संट टाइप होता है, उसी तरह से मसेज टाइप होता है। तो उसमें बोल रहा है कि वेरिएबल रजिस्टर जो लगा हुआ होता है उस ओम मीटर में, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या यूज क्या है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या है कि अवॉइड ड्रेनिंग ऑफ बैटरी, क्या करता है, बैटरी को ड्रेन होने से रोकता है वेरिएबल रजिस्टर, ये कह रहा है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आ रही है बात कि मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, जो भी रीडिंग वो लेगा ओम मीटर उसमें उसमें एरर जो है कम होगा उसके कारण। तो थर्ड ऑप्शन है एडजस्ट द करंट टू सेफ वैल्यू, ठीक है, धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित करने के लिए होता है। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया दे रहा है वो आपका है कि एडजस्ट द पॉइंटर टू जीरो एडजस्टमेंट, पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका यही होगा, क्या होगा, टू एडजस्ट द पॉइंटर टू द जीरो एडजस्टमेंट। जीरो एडजस्टमेंट मतलब क्या हुआ कि ये आपका मीटर का ये है मीटर है, तो यहाँ जो कांटा जो बना हुआ रहता है, ठीक है, ये जो निडल जो होता है इसको कहाँ लाना, इसको जीरो पे लाना, ठीक है, जीरो पे ये रहे तभी तो, नहीं तो मान लीजिए कैलिब्रेशन नहीं हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, मेजरिंग मेजर आपका नहीं, पहले से ही मान लीजिए 10 ओम दिखा रहा है, मेजर कीजिएगा तो और भी गड़बड़ रीडिंग देगा ना, इसलिए जीरो पे तो आके रहना उसको ज्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। इस वजह से जो है वेरिएबल रजिस्टर्स का जो है यूज दिया जाता है ताकि वो क्या करे, जीरो एडजस्टमेंट कर सके। अगला क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मटेरियल के बारे में पूछा गया है कि कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है जिससे कि स्प्रिंग कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ठीक है, उसमें जो कंट्रोल स्प्रिंग जो होता है, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंट्रोल स्प्रिंग होता है, ओके, कंट्रोल स्प्रिंग, तो कंट्रोल स्प्रिंग जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए वो जो स्प्रिंग होता है ना वो आपका फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है, किसका बना होता है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है, 174 विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स दैट द सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क्स, क्या कर रहा है, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करती है, कौन से इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण सिंगल फेज एनर्जी मीटर काम करता है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर वही है जो आपके घर में लगा हुआ रहता है, गेट से घुसते ही आपको सामने जो देखने को मिलता है, ठीक है, वही होता है एनर्जी मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, ठीक है। तो किस इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है क्या है, ये आपका इंडक्शन इफेक्ट पे काम करता है, किस पे करता है, इंडक्शन इफेक्ट, एकदम ध्यान से इस चीज को एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, क्या होता है, इंडक्शन इफेक्ट पे वो काम करता है, हीटिंग इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता है, केमिकल इफेक्ट तो आपके बैटरीज वगैरह में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक का वहां बात इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी आपका जो सप्लाई होता है वो डायनेमिक होता है, ठीक है, जो करंट जो क्या स्थिर तो नहीं है ना, करंट आपका फ्लो करता करे जा रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होकर के, अस्थिर विद्युत प्रभाव नहीं होकर के प्रेरण प्रभाव होगा। बहुत अच्छे, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 175, व्हिच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विद स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है, ठीक है। अब आपसे पोजीशन पूछा गया है, किस चीज का पोजीशन पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विद स्प्रिंग कंट्रोल। अब इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि स्प्रिंग कंट्रोल दिया जाता है, ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल होता है, उसका पोजीशन पूछा गया है कि उसका पोजीशन एक्चुअली क्या होता है। तो देखिए उसका पोजीशन कुछ भी हो सकता है, आई मीन आंसर इसका क्या हो जाएगा, एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में। तो क्या हो गया, 175 का आंसर लग गया ए। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे,
क्वेश्चन नंबर 176 देखिए क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर। मीटर का नाम पूछा जा रहा है कि ये कौन सा मीटर है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस आप लोग चारों देख लीजिए, यहाँ कट रहा होगा। ओके देखिए, एसी मल्टी रेंज अमीटर है, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, एसी एंड डीसी मल्टी रेंज अमीटर, और जो फोर्थ ऑप्शन है एसी डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। ओके, तो आंसर जो है इसका हो जाएगा डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। क्या होगा ये? डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। एक्चुअली देखिए, ये वाला जो है ना, आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है देखने को तो मिल सकता है, लेकिन ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ये जो जो फिगर बनाया हुआ है, ये जो मीटर है, ये अस्पष्ट नहीं है। और नहीं तो यहाँ पे आप लोग को क्या रहेगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये है भी, लेकिन अब स्पष्ट नहीं है, ये फोटो यहाँ भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया, और भी इसका कुछ इंडिकेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया है। खैर, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, ये भी जान लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 177। अब देखिए, आप लोग को भी लगता हो कि सर आप इतने कॉन्फिडेंस साथ कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, करीब करीब 5 साल 6 साल से एक्सपीरियंस है। हम लोग हर साल बच्चों को एग्जाम दिलाते हैं, तो पता रहता है कि कौन से क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं और कौन से आने की संभावना रहती है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। विच इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? ठीक है, एकीकृत का उपकरण का एक उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो क्या हो जाएगा इसका? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये क्या हो, किसका एग्जांपल है? एकीकृत उपकरण का। एकीकृत का एग्जांपल क्या है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। 177 का ऑप्शन चल गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग अगला, 178। हाउ द क्रीपिंग एरर इज कंट्रोल इन एनर्जी मीटर। क्या क्रीपिंग एरर क्या होता है? डिस्क जो है घूमता है नो लोड पे भी, नो लोड पे भी जो आपका डिस्क एनर्जी मीटर का जब घूमने लगता है तो क्रीपिंग एरर आता है। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, इसको, इस त्रुटि को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं? ठीक है, तो देखिए, इसको आप जो है क्या कर पाइएगा, बाय ड्रिलिंग टू होल्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन डिस्क। डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत, मतलब कि आपको क्या करना होगा कि जो डिस्क है उसमें दो छेद करने होंगे आपको। ठीक है, दो छेद करने होंगे अपोजिट टू डिस्क। अब देखिए, डायमेट्रिकली दिया हुआ है, दैट मीन्स मान लीजिए ये डिस्क है, तो ये डायमीटर है, तो एक एक यदि होल आप यहाँ करें तो एक यहाँ कर कीजिए, ऐसा नहीं कि यहाँ किए तो एक बगल में यहाँ कर दिए ना। डायमेट्रिकली मतलब डायमेट्रिकली आपको करना है, मतलब कि व्यास को लेते हुए, है ना, व्यास के विपरीत। तो वही चीज है, यहाँ तो यहाँ ना कि यहाँ। ठीक है, एक यहाँ तो ना कि यहाँ, कहने का मतलब है इस डायमीटर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 179 क्या है क्वेश्चन? व्हाई द स्केल ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग अनयूनिफॉर्म स्केल। अनयूनिफॉर्म स्केल या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्केल, दोनों एक ही चीज होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्केल मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया आप लोग को। देखिए, चल लौह प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? ठीक है, नन आयरन सॉरी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एक मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट अभी पढ़ा रहे थे थोड़ा देर पहले, देखिए आ गया ना, मैं बोला था ना अलग अलग टाइप का जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग आयरन हो गया, मूविंग क्वाइल हो गया। ठीक है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का नन यूनिफॉर्म स्केल होता है। यहां से एक क्वेश्चन बन रहा है कि पूछ देगा कि नन आई मीन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स हैव, ठीक
ऑप्शन नंबर वन यूनिफॉर्म स्केल, नॉन यूनिफॉर्म स्केल, जिगजैग स्केल, कुछ भी ठीक है, या फिर नॉन ऑफ दिस कुछ दे देगा, तो वहां पे आपको लगेगा कि ये तो पढ़ाया ही नहीं गया है। लेकिन यहाँ आप समझिए इस चीज को कि यहाँ पे नॉन आई मीन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज और बात का ध्यान रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है इसका, ठीक है। और मूविंग कॉइल का क्या होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है, मूविंग कॉइल का होता है यूनिफॉर्म, मूविंग आयरन का होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो चलिए 179 का हम लोग ऑप्शंस पे आते हैं और ऑप्शंस क्या कहता है उसको पहले देख लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म होने के पीछे रीजन क्या है, इसका आंसर चल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। वहां पे क्या था, वहां पे जो आपका डिफ्लेक्शन जो था निडल का, या फिर डिफ्लेक्शन जो हो रहा था, जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के, क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, समानुपातिक था किसके, आपका धारा के समानुपातिक था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ करंट हो रहा है, मतलब धारा के वर्ग के समानुपातिक हो रहा है, बात आ रही समझ में। विचलन धारा जो है धारा के वर्ग के समानुपातिक हो रहा है, वर्ग लग जा रहा है, इस वजह से वो नॉन यूनिफॉर्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका 179 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूँ ये आपको सीबीटी के लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आप यदि बैठिएगा तो आप इन क्वेश्चन से जरूर आपका मुलाकात हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 180 चलिए आगे देखते हैं। विच सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर इज कॉज्ड बाय इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या हुआ चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है, ठीक है। कह रहा है कि विच सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर इज कॉज्ड बाय इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, मेजरिंग एरर्स जो आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जो मैग्नेटिक एरर्स जो आते हैं वो किस सोर्स से होते हैं, किस तरह के सोर्स से हो पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इन्फ्लुएंस एरर के कैटेगरी में उस तरह के एरर्स आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स के कारण जो एरर आते हैं, ठीक है, तो मेजरिंग एरर जो आते हैं तो वो किस तरह के एरर के कैटेगरी में आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस एरर हो जाएगा। क्यों इन्फ्लुएंस एरर आया, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एक क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, तो उस क्षेत्र में यदि मान लेते हैं हमारा मूविंग कॉइल आपका इंस्ट्रूमेंट आया, ठीक है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यदि आता है तो उसका जो आपका कॉइल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो प्रभावित होगा, तो उसके कारण रीडिंग में थोड़ा बहुत जो है गड़बड़ी हो सकता है। तो ये किसके कारण हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, किसी का प्रभाव के कारण आया, तो चुंबकीय प्रभाव जो है, चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव था वो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कार्य कर गया, जिसके कारण हमारे रीडिंग में एरर आ गया। तो एरर जो हुआ किस तरह का एरर हुआ, इन्फ्लुएंस एरर हुआ। डिवाइस एरर के बारे में थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है, डिवाइस एरर के बारे में आया था ना, तो उसी तरह से यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखें, इन्फ्लुएंस एरर के बारे में देखें। बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं देखिए आप लोग के लिए, और ये क्वेश्चंस आएंगे। अब बहुत जगह चल रहा है, बहुत चैनल पे, बहुत सारे वीडियो में चल रहा है कि भाई एनएससीईआरटी का क्वेश्चन जो है अलग आएगा, एनएमई क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आएगा, भारत स्किल से क्वेश्चंस नहीं आएगा। अरे क्या बोल रहे हो यार, आई मीन हमको बताइए आप, क्या क्वेश्चन सिलेबस चेंज हो गया है आप लोग का, सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है ना, आपका जो है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो बदला गया है, आप लोग का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट या फिर जो क्वेश्चंस है वो सब तो वही रहने वाले हैं। मैं यदि क्वेश्चंस आपको लाइक आज का जो क्लास हम लोग का है, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें लगभग 40 क्वेश्चन कराऊंगा। अब उस 40 क्वेश्चन में यदि उसको देना है क्वेश्चन, तो वो क्या 2-3 क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठा के क्या वो अपने से पैदा करेगा क्या, बताइए मुझे। क्वेश्चन चैप्टर आपका जो सिलेबस है, जो आपका आईटीआई का जो सिलेबस है
उसको कौन डिजाइन किया है? निमी ही तो डिजाइन किया है। पूरा जो डिजिटी फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है? निमी को फॉलो करता है पूरा, उसका उसको नक्शे कदम पे उसको किए हुए है। अब क्वेश्चन बैंक जो है सारा निमी का किया हुआ है, तो अब NSAID अपना वो क्या इंजीनियरिंग लेवल का ला के देगा, पूछेगा क्वेश्चन? मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे लोगों को बहका देते हैं। खैर चलिए, जो बच्चे साथ में है मेरे वो लोग इन चीज को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा बहकावे में मत आइए। जो जितना मटेरियल है, जितना पढ़ाया जा मतलब पढ़ाया क्या जा रहा है, आप लोगों के पास जितना मटेरियल है पढ़ने लायक, ठीक है, जो जो जिससे आप तैयारी कर चुके हैं पहले भी, उन्हीं चीजों से आप लोग तैयारी कीजिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आइए। और यहाँ जो करा रहे हैं ये तो खैर है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपके परफॉर्मेंस या फिर आपका एग्जाम जो है खराब होने होगा, कभी नहीं। चलिए 181, विच टाइप ऑफ वाट मीटर। अब देखिए यहाँ लैंग्वेज कितना खराब से लिखा है, विच टाइप ऑफ वाट मीटर। यहाँ पूरा एक्सप्लेन करके लिखना चाहिए था कि जो डायग्राम जो है ये किस वाट मीटर के तहत आता है, ये बताइए। खैर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप लोग इतने समझदार हैं, इन चीजों को समझ पाते हैं। देखिए, किस प्रकार का वाट मीटर है ये फिगर जो है, ये वाला जो दिया हुआ है, किस प्रकार का वाट मीटर है? तो यहाँ पे बताना होगा आपको, आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखिए समझिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर चल जाएगा आपका, क्या बी जाएगा, टू एलिमेंट थ्री फेज वाट मीटर। ठीक है, टू एलिमेंट थ्री फेज वाट। ठीक है, अब कैसे, दो एलिमेंट है यहाँ पे, देखिए वन एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, दो एलिमेंट हो गया। थ्री फेज क्यों भाई? क्योंकि देखिए लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री है ना, आर वाई बी, ये क्या हो गया, थ्री फेज, जो कि एल वन एल टू एल थ्री से यहाँ पे डिनोट किया भी गया है। ठीक है, और दो एलिमेंट है इसलिए इसको क्या बोल दिया हम लोग, टू एलिमेंट ये और ये, और थ्री फेज है ना, एल वन एल टू एल थ्री वाट मीटर। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में आएगा 182। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? ठीक है, तो अब टाइप पूछा गया है इंस्ट्रूमेंट का जिसमें कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जिसका कि स्केल क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, तो पहले बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 183, देखिए, व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विद न्यूट्रल कनेक्शन। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? ठीक है, तो आपसे एनर्जी मीटर का टाइप पूछा गया है जो कि न्यूट्रल कनेक्शन के साथ काम करता है, जिसमें कि न्यूट्रल कनेक्शन देना पड़ता है, न्यूट्रल वायर भी उसमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपका लाइन वन लाइन लाइन थ्री हो गया, ठीक है, या फिर आर वाई बी जो फेज हुआ, तो उसके साथ आपको न्यूट्रल कनेक्शन भी इसको देना पड़ता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर बताइए, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट। क्या हो जाएगा, कौन सा टाइप हो जाएगा, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट में न्यूट्रल कनेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि थ्री फेज वाले में तो न्यूट्रल, अभी थोड़ा देर पहले जो दिखा रहे थे, जो क्वेश्चन जो आपका जो क्वेश्चन था फिगर वाला, उसमें न्यूट्रल कहीं सप्लाई नहीं दिया गया था, तीन वायर दिया गया था जो कि आपका एल वन एल टू एल थ्री था, फेज तीनों फेज था। ठीक है, तो न्यूट्रल देने के लिए हम लोग को सिंगल फेज में जरूरत पड़ता है। जैसे घर में जो आपका होता है वो क्या होता है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है, तो उसमें देखे होंगे वो दो वायर आता है, घुसता है उसके अंदर, कौन सा, एक आपका मेन लाइन वाला जो हो गया फेज वाला, और एक न्यूट्रल में दिया जाता है, तो इसीलिए हो गया ये। तो ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 184, देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर। अब ये जो है आवृत्ति मीटर का प्रकार पूछा गया, इस आवृत्ति मीटर का प्रकार आपसे पूछ दिया गया है, तो बताइए कौन सा प्रकार है ये। तो देखिए ये जो है आपका मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप, मतलब क्या हो गया, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का है। ठीक है, मैकेनिकल टाइप का होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी मीटर, बात आ रही है समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट? क्या पूछा है? सेंसिटिविटी जो होता है इंस्ट्रूमेंट में उसका इकाई क्या होता है, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई पूछी गई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा आपका? ओम पर वोल्ट या फिर ओम बटा वोल्ट। ओके, ओम पर वोल्ट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 186 क्या कहता है देखिए। Why two straight holes are provided in aluminium disc in energy meter? समझ लीजिए, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? अभी मैं बता रहा था क्रिम्पिंग से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए हम लोग दो छेद करते हैं आपका जो डायमीटर होता है उसके अलावा। तो यहाँ पे बताइए इस टाइप का कुछ आंसर आने वाला है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा आंसर जाएगा। और जो बच्चे ध्यान से क्लास को समझ रहे हैं वो आंसर इसका दे भी देंगे, मुझे पूरा इस बात का यकीन है। होल्स क्यों किया जाता है, दो स्ट्रेट होल्स एल्युमिनियम डिस्क में, यहाँ क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को अपॉइंटमेंट से मिल जाएगा। तो क्रीपिंग वर्ड कहीं मिला तो होल्स की बात क्रीपिंग वर्ड से जुड़ जाता है, आपको भी पता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टू अरेस्ट द क्रिम्पिंग एरर, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए डिस्क में होल किया जाता है। आई बात समझ? क्वेश्चन नंबर 187 देखिए, क्वेश्चन नंबर 187 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यंत्र का नाम क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। अब ये यंत्र जो दिख रहा है ना आपको, इसका आपसे नाम पूछा गया है, तो नाम क्या होगा इसका बताइए मुझे। क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट उपकरण इसका नाम है, देख लीजिए इसको। ठीक है, क्या है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों जरूरी होता है? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो कि आपका निडिल जिसमें आपका ये होता है कांटा उठता है, ठीक, उसमें डैम्पिंग फोर्स क्यों जरूरी होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डैम्पिंग फोर्स इसलिए जरूरी होता है ताकि दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करना। ठीक है, अरेस्ट द निडिल विदाउट ऑसिलेशन, डैम्पिंग देने से क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स यदि दे दिया जाए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में तो क्या होगा कि निडल में ऑसिलेशंस नहीं होंगे। निडल में ऑसिलेशंस मतलब क्या होता है, जैसे कि एक पेंडुलम देखें आप लोग घड़ी में, जो देखे होंगे कि जैसे ही 12 बजता है या 1 बजता है तो टन टन करके बजने भी लगता है, और ऐसे करके वो जो है टिक 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 जो ऐसे करके आपका इधर से इधर जो है करते रहता है, ये हुआ ऑसिलेशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसको ही ऑसिलेशंस कहते हैं, दोलन कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए जैसे निडल मान लीजिए कांटा यहाँ पे आया, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे करके हिल सकता है। ठीक है, ये जगह पे तो इसको हिलने से रोकने के लिए एग्जैक्ट आपका रीडिंग बताने के लिए आपको जो है डैम्पिंग फोर्स का जरूरत देना पड़ता है, मतलब जरूरी होता है, यही है इसका एक्सप्लेनेशन। आइए अगला स्लाइड 189 देखिए, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट? द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट सॉफ्ट आयरन कोर का आवश्यकता क्या होता है? ठीक है, तो देखिए क्या आवश्यकता है भाई, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप। ठीक है, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। मूविंग कॉइल में आपको भी पता है कि कॉइल्स जो होते हैं उसमें करंट का फ्लो करा करके मैग्नेटिक इफेक्ट्स के कारण जो है उसके नीडल्स को मूव कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो कोर होता है, ठीक है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का जो कोर जो होता है वो सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है, तो उसमें एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का। बस इतना ही है इसमें। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी आप लोग स्टार लगा कर रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 190 देखिए। Which parameter is
कॉज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? बताइए कौन सा पैरामीटर हो जाएगा? देखिए इसका हो जाएगा लो सेंसिटिविटी। क्या हो जाएगा? लो सेंसिटिविटी, कम संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर अगला 191। नेम द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यंत्र का ये कौन सा प्रकार है ये आपसे पूछा गया है। भाई कौन सा प्रकार है? ये हो जाएगा अट्रैक्शन टाइप मूविंग कॉइल, आई मीन आयरन। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन, आकर्षण प्रकार चल लौह। ठीक है, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन, बहुत अच्छे। आइए क्वेश्चन नंबर 192। विच मीटर इज यूज टू मेजर रेवोल्यूशन पर मिनट इन मोटर। अब रेवोल्यूशन पर मिनट इन मोटर को का जो वैल्यू है उसको नापने के लिए कौन से मीटर का इस्तेमाल किया जाता है? मोटर में घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? बताइए सभी बच्चे, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप लोग फिजिक्स का भी क्वेश्चन, आई मीन वो सब जो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 192 क्या हो जाएगा? जैसी बात है, क्या होता है? टैकोमीटर होता है। ठीक है, टैकोमीटर से आप जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक जैसे कि राउंड में वो घूम रहा है, ठीक है, गोल गोल यदि घूम रहा है और उसको नापना है कि उसका स्पीड मतलब चक्री नापना है कितना बार वो घूमा गोल गोल, ठीक है, तो उसको टैकोमीटर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 193 क्या है क्वेश्चन? हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा? चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नो टर्मिनल मार्किंग, उसमें क्या एक आप पहचान कैसे कर सकते पाइएगा? उसमें टर्मिनल में जो है ना कोई भी मार्किंग किया हुआ नहीं रहता है, ठीक है, कोई सीधा अंकन नहीं होता है उसमें, ठीक, किसी प्रकार का मार्क नहीं होता है, जैसे कि टर्मिनल मार्क प्लस ओनली या फिर वन मार्क कलर्ड रेड, एक टर्मिनल लाल रंग से मार्क कर दे, या फिर टर्मिनल मार्क प्लस और माइनस उसके लास्ट छोरों में मार्क किया हुआ रहे, ये सब जो है हो सकता था, लेकिन मूविंग आयरन टाइप में, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में इस तरह का कोई भी बात नहीं होता, उसमें किसी भी तरह का मार्किंग नहीं करते हैं, इसी से आप पहचान जाइएगा हाँ ये कौन सा टाइप है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 194 समझिए। देखिए विच इज एन ऑब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? ऑब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है कि कौन सा ऑब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए अमीटर है, वोल्टमीटर है, एनर्जी मीटर है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, इसका आंसर भी वही हो जाएगा। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है। पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। व्हिच फोर्स प्रोड्यूसेस मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब हुआ कि कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डेफ्लेक्टिंग फोर्स, ऑप्शन नंबर बी, और क्या है? डेफ्लेक्टिंग फोर्स। विचलन बल क्या हो जाएगा? विचलन बल। क्वेश्चन नंबर 196 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एकीकृत उपकरण का कार्य क्या है? एकीकृत इंस्ट्रूमेंट्स अभी मैं बताया था आप लोग को, ठीक है, तो एकीकृत इंस्ट्रूमेंट जो कि आपका क्या था, एग्जांपल बताइए, मैं भी बताया था ना आपका गैल्वेनोमीटर जो है, आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वही होगा, आप इसमें इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल होगा, तो इसमें फंक्शन पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन पूछ रहा है, बताइए इसका आंसर आपका क्या जाएगा? सी, रजिस्टर्स द क्वांटिटी, मात्रा को दर्ज करता है, कौन? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मात्रा को दर्ज करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। विच पोजिशन, ठीक है, विच पोजिशन एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग ग्रेविटी कंट्रोल रीड्स एक्यूरेटली। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? ठीक है, तो
आपको इसमें बताना है कि किस स्थिति में वो सटीक पड़ेगा, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण करने वाला, ठीक है, जो कि ग्रेविटी कंट्रोल करता है, ठीक है, आई मीन गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण जो करता हो, ठीक है, वैसे उपकरण का किस स्थिति में सटीक रूप से वो पढ़ पाएगा, किस अवस्था में उसको रखना होगा, वर्टिकल या इंक्लाइंड या फिर हॉरिजेंटल, किस टाइप से उसको रखिएगा जो बात बनेगा आपका। तो हो जाएगा क्या, वर्टिकल रखना पड़ेगा आपको, ऊर्ध्वाधर रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी का उसमें इन्फ्लुएंस होगा, इस वजह से उसको क्या करना होगा, ग्रेविटी के कारण उसको खड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को खड़ा रख के मेजरमेंट आपको लेना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 198 देखिए, which quantity is measured by an electrodynamo type instrument, एक इलेक्ट्रोडाइनमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा, पावर, क्या होगा आंसर, हो जाएगा आपको पावर हो जाएगा, ठीक है, शक्ति हम लोग मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, हाउ टू अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी इन मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप, ठीक है, हाउ टू अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी इन मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आपको पता है, ठीक है, और डिजिटल भी आपको पता होता है। देखिए डिजिटल क्या होता है, जिसमें कि डिजिटल संख्याएं 1 2 3 करके मार्किंग होगा, उसमें जैसे आप मान लेते हैं मल्टीमीटर ही एक होता है, क्या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, यदि आप करंट का वैल्यू भी नापिएगा तो उसमें एग्जैक्ट बताएगा, जैसे कि 240 एम्पियर आई मीन वोल्ट 240, तो पूरा लिख के बताएगा। लेकिन एनालॉग में क्या होता है, कांटा दिखता है, स्टेबलाइजर, आपका टीवी का स्टेबलाइजर जो होता है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक तरह का एनालॉग है, क्योंकि उसमें कांटा लगा हुआ है, वो कांटा धीरे धीरे ऊपर उठेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, घटेगा तो डाउन हो जाएगा। और डिजिटल वाला क्या होता है, जिसमें कि आपको स्पष्ट रूप से डिजिट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, जो कि 0 और 1 पे फंक्शन करता है, बहुत कुछ है उसमें। खैर, तो आप मैक्सिमम एक्यूरेसी कैसे प्रदान कर पाइएगा, मैक्सिमम एक्यूरेसी मतलब कि सटीकता उस इंस्ट्रूमेंट से आप कैसे ले पाइएगा एनालॉग वाले में, ठीक है, एनालॉग वाले में कैसे आप ले पाइएगा, बहुत ही, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन है, कीप लो इनपुट इम्पीडेंस, कम इनपुट प्रतिबाधा रख करके, ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है कि कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस, उच्च आगत प्रतिबाधा रख करके, उसके बाद यूज शॉर्ट कनेक्शन लीड्स, प्रोवाइड करेक्ट डैम्पिंग सिस्टम। तो इसका देखिए आंसर जो जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस, मतलब उच्च आगत प्रतिबाधा रख करके आप मैक्सिमम जो है आप एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं एनालॉग सिस्टम्स का, एनालॉग मेजरिंग डिवाइसेस का से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग क्या है, इसमें आपसे जो है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर 10 मिली एम्पियर विद 1 मिली एम्पियर मीटर। अब इसमें आपको शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, जिससे कि आप 10 मिली एम्पियर का 10 मिली एम्पियर को 1 मिली एम्पियर मीटर से मेजर कर सकते हैं। हिंदी में देखिए क्या लिखा, 1 मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की मान की गणना करें, ठीक है, आपके पास है क्या, छोटा मीटर है, छोटा सा आपके पास एक ओम मीटर है जो कि 1 मिली एम्पियर का है, और आपको मापना कितना है, 10 मिली एम्पियर का वैल्यू मापना है, तो उसके लिए कितना शंट प्रतिरोध उसमें आप सेट कीजिएगा, लगाइएगा, जो कि आप उसको माप पाइए। तो इसका देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 3 ओम का आपको उसके साथ शंट में डालना पड़ेगा, ठीक है, 3 ओम का। ये वाला जो है आप लोग के लिए असाइनमेंट है, इसका आप लोग सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स जो है मेरा उसमें आप इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होगा वहां पे आप सॉल्यूशन जरूर आप लोग सेंड कीजिएगा। चलिए और देखते हैं स्लाइड्स में, अब
ठीक है, आज का जो सेशन है वो खत्म हो रहा है यहीं पे, और आई होप कि आप लोग को जो ये टोटल 40 क्वेश्चन अराउंड सारे क्वेश्चंस आप लोग को ध्यान में होंगे और अच्छे से आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो हम लोग कल एक न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, और परहैप्स वो चैप्टर जो है लास्ट ही होगा मेरे ख्याल से आप लोग का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके लिए। और उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग जो है कुछ सेकेंड ईयर का कुछ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो आप लोग का WCS है वो तो ऑलरेडी मैं 19 क्लासेस में सारा कंप्लीट करा दिया हूँ। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल विजिट करके भी वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, WCS का अलग से बना हुआ है। तो आप उन वीडियोस जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आई थिंक कि लगभग 450 या 400 क्वेश्चंस कराए हैं, तो फिर वो क्वेश्चन से बाहर आपका एग्जाम में रहने वाला नहीं है, उससे बाहर नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग उन उन क्लासेस को जरूर कर लीजिएगा आपने नहीं किया तो, और बहुत अच्छे से समझाएं एक एक क्वेश्चन को, जो अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है लिख लिख करके पूरा चीजों को मैंने समझाया है। तो आप लोग जरूर उन क्लासेस को कीजिएगा। और दूसरी बात है कि हम लोग कल का जो टॉपिक होगा वो आप लोग का जो है डोमेस्टिक अप्लायंसेस का टॉपिक रहेगा, तो उस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर जो फर्स्ट ईयर का जो पूरा क्लास है ये ट्रेड थ्योरी का इलेक्ट्रिशियन वाले, तो ये जो है हमारा सेशन जो है क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड ईयर का भी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लासेस जो है अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। और हम लोग क्लास नंबर 50 है, तो बहुत एक लंबा सा कारवां हम लोग का चल चुका है। 50 क्लास कंटिन्यू करना मतलब थोड़ा अच्छा भी फील होता है कि चलो भाई इतना कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात है कि ये जितने भी क्लासेस हो रही हैं सभी आपको कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल हैं। तो डेली का जो है क्लास 10 बजे से जो है लाइव होता है, तो आप लोग जितने बच्चे हैं सभी अपने समय से जुड़ा जुड़ जाया कीजिए, और आपके जो मित्र हैं मित्रगण को भी आप लोग जो है जो क्लास का लिंक जो है जरूर शेयर कीजिएगा, और उन लोगों को भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि एग्जाम्स वगैरह है तो आकर क्लास जरूर करें। चलिए गाइस, तो फिर हम लोग जो है कल एक एक न्यू ऊर्जा के साथ कुछ नए चीजों को सीखेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और तन मन से पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर, शेयर करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर ही लीजिए यदि न्यू है, और